अभी हम फिलहाल आपको ऊपर से दिखा रहे थे, ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये साफ कर, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग पत्थर जो है वो लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अभी फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ प्रयागराज के संगम नगरी पर, जहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ का, और आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ इस बार 2025 कुंभ मेला में जो भी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं उसका अपडेट देने चल रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मेले की जो भी तैयारियाँ हो रही हैं मेला क्षेत्र में, वो आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो बने रहिए इसी तरह चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली ये अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को जा रही है मेला क्षेत्र की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी कई सारी जो भी अपडेट रहेंगी मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे यही आशा करता हूँ। चलिए वीडियो में दोस्तों, फिलहाल हम लोग अभी शास्त्री पुल पर हैं और आप लोग को दिखाने चल रहे हैं माघ मेला 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। शास्त्री पुल के ऊपर से आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया ये साफ हो रहा है, ये साफ वगैरह हो रहा है, यानी बाढ़ आया था तो पूरा मिट्टी दलदल वगैरह टाइप ऐसा जो था, तो जेसीबी से पूरा उसका समथन बराबर किया जा रहा है। और वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टावर लगा हुआ है और उधर भी कुछ काम चल रहा है। तो नीचे चलते हैं, नीचे चल के ये पूरा क्षेत्र जो है भ्रमण करते हैं और जो जो काम हो रहा होगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो इसी तरह अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सबसे पहले अपडेट मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। पूरे प्रयागराज शहर में जो भी काम चल रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, तो उसको जो जो निर्माण होता रहता है उसको बनाता रहता हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टेंट वगैरह लगा हुआ है, ये लल्लू जी एंड सन्स का है। यहाँ पे आपको बल्ली और पूरा टेंट का जो भी व्यवस्था होती है यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, और साथ ही साथ में ये जो ग्राउंड है यहाँ पे भी इसको साफ किया जा रहा है और सड़क चौड़ी किया करण कर रहा है, मतलब सड़क को चौड़ा कर रहे हैं, और पोल्स वगैरह लगा करके लाइट वगैरह पूरी व्यवस्था लगाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग काम शुरू हो गया है, ये देखिए वो ट्रैक्टर है वहाँ पे खंभा वगैरह जो है गिर रहा है। अब माघ मेले का काम काफ़ी तेज़ी से अब शुरू होगा। सामने इधर देख सकते हैं इधर भी ये पूरा लगा हुआ है, ये देखिए। तो चलते हैं नीचे से आप लोग को पूरा दिखाते हैं। तो ये चुंगी का डबल फ्लाईओवर है जो नया वाला फ्लाईओवर बन रहा है, इसका मैं नया अपडेट दे दूँगा अपने इसका अलग से वीडियो, बस आप लोग को इसे दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता, मतलब जो रास्ते में जो भी चीज़ निर्माण हो रहा है का आप लोग को अपडेट देते हैं। चलो ये अच्छी वीडियो है, अब इसकी दूसरी वीडियो बनाना बाकी है। ये जो रोड देख रहे हैं ये आपके चुंगी साइड से आती है और आपके ये रोड चली जाएगी संगम के लिए। वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा लल्लू जी एंड सन्स का टेंट लगा हुआ है, कुंभ मेला गोदाम, ये देखिए बोर्ड भी अभी से इनका टेंट वगैरह लगा हुआ है ताकि जो भी श्रद्धालु वगैरह आए उनको टेंट के लिए ये उपलब्ध करा पाएँ। काफ़ी बड़ा इनका टेंट वगैरह है, यहाँ से नहीं भी बहुत पहले से इनका टेंट चल रहा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़क चौड़ी हो रही है, ये देखिए इस साइड से ले करके और उस साइड भी सड़क चौड़ी हो रही है। ये पुराने पोल्स वगैरह हटा करके नए पोल्स लगाएंगे और लाइट वगैरह पूरा अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। मेले में सारी तैयारियाँ जो भी हो रही हैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक काम चल रहा है, ये जल निगम वाला काम हो रहा है, यानी पानी जो अंडरग्राउंड है उसका काम चल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टेंट वगैरह बना रहे हैं। हमने दोस्तों आप ये बोर्ड देख सकते हैं, कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए इधर भी सड़क चौड़ी हो रहा है और सामने माँ गंगा। अभी हम फिलहाल आपको ऊपर से दिखा रहे थे, ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये साफ करके यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया जाएगा
और ये मशीन देख के आई हुई है, इसके द्वारा देखिए क्या करते हैं। मेरे ख्याल से पानी वगैरह कुछ बनाएंगे। और यहाँ पे खंभे पोस्ट वगैरह भी आ चुके हैं। ये देखिए इधर एक ट्रक है, उसके दूसरे ट्रक पे पाइप लगी हुई है, यहाँ पे भी ये काम चल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। शायद मैं पहले किसी वीडियो में दिखाया हूँ। चलते हैं आगे, देखते हैं मेले के क्षेत्र में आगे क्या हाल है। फिलहाल तो अभी पानी नॉर्मल है, कुछ एरिया उस साइड एरिया में पानी वाला कुछ सूखा है, इस साइड एरिया में पानी सूखा ही नहीं है। देखते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा, बने रहिए। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग पत्थर जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये देखिए जो पत्थर होता है, साइड साइड में पत्थर लगा दिए हैं और पोल वगैरह भी आ गया है। अभी फिलहाल हम लोग हरिहर गंगा आरती समिति के पास पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों बता दूंगा आप लोग को कि हनुमान जी का कॉरिडोर का भी काम चल रहा है, इसके लिए हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेला कार्य हेतु जो भी वाहन है, यानी कि जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह है, वो यहाँ पे शुरू हो गया है। शुरू मीन्स काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पानी आया, मतलब था दलदल वगैरह था, उसको पूरा संतन बराबर किया जा रहा है ये पूरा। और आगे पूरा देख सकते हैं जेसीबी वगैरह पूरा लगा हुआ है। और सामने इधर हनुमान जी का कॉरिडोर का काम चल रहा है उस साइड में। और फिलहाल अभी मेला क्षेत्र में उधर कोई भी काम नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में आपके जहाँ पे मैंने दिखाया वहाँ पे लग रहा है। अभी पीपा पुल वगैरह बनने में भी शायद टाइम है, क्योंकि पहले ये बराबर फंक्शन वगैरह होगा। जो भी दलदल मिट्टी है, अभी छठ वगैरह आएगा तो उसमें भी ये सब पूरा बनाया जाएगा, तो वो सब भी आप लोग को दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेला की तैयारी शुरू नहीं हुई है, मेला की तैयारी शुरू हो रही है और काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि इसके बाद समय नहीं बचेगा। ये आप देख सकते हैं इस बार काफ़ी बड़े क्षेत्र में मेला लगने वाला है और कई सारा पुल भी बनने वाला है, पीपा पुल। तो सब आपके आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से हो सके तो मेरा पूरा दिन ही यहीं पे बीतेगा मेला क्षेत्र में। दोस्तों हम लोग फिलहाल अभी शास्त्री पुल से पहले जो छोटी पुलिया है वहाँ पे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं जो मेला की तैयारी चल रही है। ये देखिए पूरा एरिया साफ सुथरा किया जा रहा है और आसपास का एरिया जो है, जो नाली वगैरह है उसको पूरा बनाया जा रहा है। देखिए और सामने आप देख सकते हैं ये नया रेलवे का डबल ब्रिज है, जो कि झूसी से आपके रामबाग तक बन रहा है रेलवे डबल लाइन गंगा नदी में। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।